अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, की हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल कैरियर से होंगे। वेलकम टू माई चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। छत इतनी साफ सुथरी है क्योंकि हम जो है ना बिजी हैं शादियों में और छत पे आया नहीं जाता। और उसके बाद जो है ना, अब ये देखें, जैसी छत छोड़ के गई थी वैसी की वैसी है, ठीक है। दूर दूर तक साफ सुथरी है भाई, माशाल्लाह से। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, आज है जी आखिरी दिन, फाइनली 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 शादी हुई ख़त्म। मैं तो खुद थक गई हूँ, तो अब जो है ना लास्ट डे है आज, ठीक है। आज के दिन के बाद फिर हम जो है ना कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज वैसे भी ना वो था, क्या उसको कहते हैं, मंडे था और ना साथ वालों के बच्चे गए ही नहीं है स्कूल, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो इस टाइम मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती होती हूँ। तो जनाब मैं करती हूँ क्रमलिंग और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग जो है मेरे, मतलब कि मैं एक्टिव नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, कमेंट्स करते हो और बोलते हो कि कोई नहीं आप इंजॉय करें सारा कुछ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और जी हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी और कह लो कि स्किन केयर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जो है ना जल्द से जल्द न्यू वीडियो या न्यू व्लॉग उसके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मैं वो भी जो है ना आप लोगों के लिए, बेशक वो उसको स्टेप्स रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है शोर में जो है ना वो पूरी पूरी वीडियो खुद ब खुद बोल कर बनाना, वो मुश्किल है। तो वॉइस ओवर कर लूँगी राम स्कूल से, ताकि आप लोगों को डिटेल से वो समझा सकूँ। बिलीव में वो बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हम लोग किसी की वो तो कर नहीं रहे कि स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या किसी को किसी का जो है ना वो बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है आप ये ले लें वो ले लें, प्रमोट तो कर नहीं रहे। वो चीज़ है जो मैंने खुद भी अप्लाई की है। तो काफ़ी लड़कियों के, जैसे मैं हूँ ना, तो काफ़ी लड़कियों को इश्यू होता है। इस दफ़ा मैंने मेकअप किया और मेरे फेस पर एक भी पिम्पल नहीं बना, छोटे 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 वो क्या उसको कहते हैं पिम्पल्स बने हैं, लेकिन वो इतने वो नहीं है, ठीक है। वो जैसे हो जाते हैं जैसे डस्ट की वजह से हो जाते हैं, बस वही है। तो वो भी जो है ना वो सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्रमलिंग करते हैं, ठीक है। मैं ट्राईपॉड पे लगाऊँ आज मोबाइल, आज हम टू हैंड क्रमलिंग करेंगे, दो हाथों से क्रमलिंग करेंगे। चलिए इसको ही क्रमल कर लेते हैं। नहीं ये वेट है, इसका मज़ा नहीं आएगा। मैं आपका ना ड्राई क्रमलिंग करके दिखाती हूँ। इसको उठाती हूँ यहाँ से, आप सभी बताएं आप लोग सब जो है वो कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं। व्लॉग्स डेली नहीं होते, नहीं तो ऐसा होता था ना कि जैसे व्लॉग अपलोड किया माशाल्लाह से सभी के कमेंट्स आ जाते थे कि अभी अभी जो है ना हम फ्री हुए, अभी अभी हमने ये किया, अभी हमने वो किया, और कुछ दिन हो गए हैं मैं एक्टिव नहीं हूँ टोटली, ठीक है। तो फिर भी आप लोग जो है ना वो कमेंट्स कर देते हो और पूछ रहे हो कि भाई आप रेमेडी बता दें, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो कोशिश करूँगी। स्किन हेयर केयर भी बता दूँगी, यार मैं कोशिश करती हूँ व्लॉग रिकॉर्ड करने का लेकिन हो नहीं पाता, तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए जो है ना कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। बेशक रात को ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़े, मैं करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैंने सोच लिया है, क्योंकि शाम को तो फिर जो है ना वो इतना शोर नहीं होता और सुबह बहुत ज़्यादा शोर होता है। नेल पेंट उतारने के चक्करों में थी, उतर ही नहीं रही वो। मौसम फिर से चेंज हो रहा है, बादल बताए हैं कल भी परसों भी। देखिए टेक्सचर्स भी इतने टोटली ड्राई नहीं है। छत तो बम है, छत बम बास्टिक जो है ना वो हुई है। साफ सुथरी छत अच्छी लगती है।
देखें देख, डस्ट प्ले का रिक्वेस्ट आई थी कि भाई डस्ट प्ले करें। डस्ट प्ले तभी हो सकती है जब हम इसको क्या कहते हैं, और ये निकला, चलो क्ले पॉट पे क्रम्बलिंग करते हैं, इधर रखते हैं। इसमें गाची क्रम्बल किया था ना, तो अभी तक किसके अंदर लगा हुआ, ये देखिए। हम डालते हैं माड़ा माड़ा पानी, क्ले पॉट वाटर क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है भाई आप वाटर क्रम्बलिंग भी किया करें। सो मैं ये वाले थोड़ी शेप्स उठा लूँ यहाँ से, चले लेट्स गो। अब इसको करते हैं डिप, ठंडा ठंडा पानी। ओए यार इसकी खुशबू, तोबा तोबा तोबा, बहुत मज़े की खुशबू है, मज़ेदार। वो जैसे ही वो उसको टच करता है ना डिप करके, तो वो ड्राई टेक्सचर्ड वाटर को टच करता है, तो वो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। थोड़ी सी पोरिंग करते हैं इसमें क्ले पॉट में ना, थोड़ा सा टेक्सचर है, मैं वो भी पोर ही कर दूँ इसमें। चलो मज़ेदार। एक और क्रम्बल करते हैं, हाँ जम गया, वो ठंडा पानी था। चलो अब इसका ही पेस्ट निकाल के उसके ऊपर पोर कर देंगे। चले दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके उसकी क्रम्बलिंग करते हैं। अच्छा कि वो क्या उसको कहते हैं, उस वो टेक्सचर अभी भी पड़ा हुआ है गोल्डन सैंड वाला, उसकी शेप्स नहीं बनी। चलो मम्मा भी आ गए, मैं आगे सोच रही थी मम्मा का भी ब्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करा लूँ, लेकिन मम्मा नीचे थी, अभी मम्मा भी आ गई हैं, मम्मा भी अपना ब्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेंगी। यहाँ से ये वाली शेप पकड़ते, शीट पे रख कर क्रम्बलिंग करने का भी किसने कहा था, तो ये शीट ही है। तो
मडट ड्राई क्रमलिंग। मैं वो भी कर देती हूँ, रिक्वेस्ट आ रही थी उसकी भी कि क्ले पॉट में शायद क्रमलिंग बोल रही थी। अब क्ले पॉट गंदा हो गया मेरा। ओके इधर आते हैं। ये देखें छोटी छोटी सी मिनी बॉल्स, क्या है, कौन सी शेप है मुझे नहीं पता। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉल। यहाँ पर आते हैं, इनकी इसकी एक शेप क्रम्बल करते हैं। एक्चुअली मैं 2 या 3 दिन तो हो गए ना वीडियो ना कुछ व्लॉग भी नहीं, तो मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था यार क्रमलिंग करने को। इसकी बड़ी अच्छी वाली वीडियो बन सकती है, बोलना नहीं कहता तो बड़ी सोहनी लगती है। माशाल्लाह से टेक्सचर, मेरे सारे बम टेक्सचर ड्राई हुए हैं, शहजादे हैं कसम से। ये वाइट कंक्रीट है और ये मल्टी स्टोन्स वाला था। वाइट कंक्रीट बहुत हो गया। कमाल, ये भी अच्छा है। ये जो फ्लोर पे फैला था ना, ये वो वाला है। मैं तो हल्के हाथ से खुद ही लग गई हूँ, मज़ेदार क्रमलिंग हो। यहाँ से ये डर्ट वाला टेक्सचर उठाती हूँ, ये भी एक्चुअली डर्ट ही बन गई है। ठीक है, थोड़ी देर चुप हुए, अब फिर से क्रमलिंग करते हैं स्टार्ट। फ्लोर क्रमलिंग के दीवाने, पता नहीं क्या बीमारी पड़ी है।
इंक्वायरी देनी है जैसे वैसे भी हो, ठीक है। ये देखें ऐसे तो पड़ा पड़ा और ये हार्ड हो जाएगा, फायदा ही कोई नहीं है इसका। डस्ट इतनी अच्छी है इसकी, मौसम की वजह से बस ये खराब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करके गए हैं, अब ये आंटी ना बोले बस, और कोई मसला नहीं। ये भी बड़ा चैलेंज होता है, आपको हार्ड टेक्सचर क्रम्बल आना चाहिए, क्रम्बल करना आना चाहिए। जनाब बादल हो रहे हैं, बारिश ना हो जाए। ये शेप सही बनती है इस मौसम में। ये देखिएगा अब इसकी क्रम्बलिंग जो है ना हार्ड लगेगी। इसको अब मिक्स करते हैं।
मुझे बड़ा मज़ा आया इसके साथ खेलने का। सो जनाब ये था आज का व्लॉग, होप सो कि आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना है मुझे पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा शेप्स बना रही हैं। ठीक है, मम्मा ने साथ 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 ही हम साथ साथ ही शेप्स बना देते हैं। मम्मा के हाथ हाथ दिखाइएगा मम्मा। अस्सलामुअलैकुम। मेरी मम्मा के हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ। मैंने तो देखा ही नहीं मम्मा के नेल पेंट को। मम्मा ने देखे एक लास्ट फिंगर पे देखे कितनी प्यारी रेड कलर की लगाई है और बाकी टीटिंग टाइप कुछ कलर लगाया, अच्छा लग रहा है। एक मिनट, अच्छा जनाब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला। और स्पेशली तमाम लड़कियों को, लड़कियों के लिए एक दुआ है जी, अल्लाह ताला उन सबके नसीब अच्छे करे। ठीक है, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझे कह रही थी कि आप मेरी मम्मा, अपनी मम्मा से लाजमी बोलिएगा। तो मम्मा आप जो है ना दुआ कर दें सब लड़कियों के लिए। अल्लाह पाक सबको, अल्लाह ताला सबके नेक नसीब करे, अल्लाह पाक उनके नसीबों में अच्छा वर हो, आमीन। और अच्छे जो उनके ससुराल वाले हों वो अच्छे हों, आमीन। अच्छी जिंदगी गुजरे और आप लोग भी अच्छी रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला।